देखिए कैसा परफेक्ट रेडी हो गया है हमारा तला हुआ गोश्त, देख सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तला हुआ गोश्त की रेसिपी। कैसे परफेक्ट आप फ्राई कर सकते हैं, एकदम चटपटा और मजेदार। आप इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गोश्त ले लिया है मैंने बोनलेस हाफ के जी है। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, साथ ही इसमें डालेंगे ऑयल 1 टीस्पून। बस और कुछ नहीं ऐड करना है हमें। इसमें हम पानी ऐड करेंगे हाफ कप। इसे मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिसल आने तक इसे एकदम अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। अगर मटन आपका एकदम टेंडर है, गोश्त जो भी आप ले रहे हैं, तो आप इसे 3 सीटी में भी चेक कर सकते हैं। और कुछ नहीं ऐड करना है, वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो सिर्फ अदरक लहसुन और नमक डाल के हम इसे विसल देंगे। ये देखिए गैस पे कुकर रख दिया है मैंने और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 विसल आने तक पकाएंगे। देखिए 4 विसल हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से गल गए हैं। थोड़ा पानी है इसमें, तो हम पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है मैंने ऑलरेडी। 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है फ्राई के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से फ्राई हो सके। तो चलिए इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ये गर्म होता है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तेल गर्म हो गया है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके फिर हम ऑन करेंगे। अब फिर वक्त हम इसे ऑफ कर रहे हैं और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्च आप इस तरह से ऐड कर दें। साथ ही डालेंगे कड़ी पत्ता यानी कि करी पत्ता और एक लहसुन को बारीक चॉप करके आप ऐड कर दें। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने बना के रखा था और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक, लाइट रेड कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए गोश्त को हमें इसी तरह तेल में अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई का मतलब ये होता है कि आप इसे तेल में अच्छे से फ्राई करें। अभी कोई मसाला हम ऐड नहीं करेंगे। गोश्त को रेड होने तक अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए आप इसी तरह तेल में इसे पकाएंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून फुल। थोड़ा सा हमने गोश्त को गलाने में भी ऐड किया था, थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी सॉस में जाने तक इसे पकाएंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जितना आप तीखा खाते हैं आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही सॉल्ट हमने मटन को गलाने में डाला था, तो 3/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। मसाले डाल के ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, वरना मिर्ची जलने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। गैस को मैंने लो फ्लेम पे रखा है और लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बारीक कटी हुई कोथमीर अच्छे से डालें आप, ताकि इसका भी अच्छे सा मसाला हो जाए। चलिए बस इसे 30 सेकेंड्स के लिए पकाएंगे और फिर डिश आउट करके आपको बताएंगे। ये देखिए कैसा परफेक्ट रेडी हो गया है हमारा तला हुआ गोश्त, देख सकते हैं आप। और याद रहे आपको गरम मसाला और नमक मिर्ची डाल के इसे ओवर कुक नहीं करना है। जस्ट 1 मिनट के लिए कुक किया है हमने और गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश तला हुआ गोश्त। एकदम परफेक्ट, एकदम मज़ेदार, एकदम हैदराबादी स्टाइल से बनाया है हमने। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और ईजी टू मेक रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें परफेक्ट हैदराबादी तले हुए गोश्त की रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।